भर भगवान शंकर का भक्त था, लेकिन उस घर में जो सबसे छोटा पुत्र था वो भगवान शिव का भक्त नहीं था। घर वाले उसे बहुत समझाते, इस ब्रह्मांड में केवल और केवल शिव ही अनादि अखंड अनंत हैं, शिव नाम तो लेना ही पड़ेगा। और मैं तो हमेशा कहती हूँ, जो इस जीते जी शिव नाम नहीं लेगा उसकी मुलाकात तो अंत समय महादेव से ही होनी है शमशान में। इसीलिए जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो राम नाम सत्य है कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राम नाम का उच्चारण करते हुए ले जाएंगे तो हो सकता है महादेव प्रसन्न हो जाएं, तो उसको मरने के बाद भी इसका कल्याण कर दे। इसलिए राम नाम सत्य है बताते हुए ले जाया जाता है। तो घर वाले बहुत समझाते, लेकिन वो कहता कोई भगवान भगवान नहीं है, मैं नहीं मानता भगवान को। एक दिन घर में गुरुजी आए। गुरुजी ने पूछा, घर में सब कुछ आनंद से चल रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले, आपकी कृपा से सब कुछ आनंदमय है, लेकिन समस्या क्या है कि पूरा परिवार शिव भक्त है और ये जो छोटा पुत्र है मेरा, ये तो भगवान का नाम ही नहीं लेता। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं। और यहाँ तक कि जब छोटा पुत्र घर के अंदर कमरे में बंद हो गया कि गुरुजी को बताना नहीं कि मैं घर पे बैठा हूँ, क्योंकि गुरुजी तो कीर्तन कराएंगे और कीर्तन कराएंगे तो मुझे भी करना पड़ेगा, सारे प्रबंध कर लिए। अब गुरुजी बैठे थे और बैठे बैठे गुरुजी ने कहा कि थोड़ा सा मुझे कच्छ चाहिए एक, और मुझे भजन करना है। तो गुरुजी ने क्या किया, उस कमरे के दरवाजे को खोला और वो अंदर बैठे मिल गया। गुरुजी ने कहा, भैया हर हर महादेव। उसने कहा, नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं भगवान को मानता ही नहीं हूँ। गुरुजी ने कहा, जय हो भगवान भोलेनाथ, कैसे भक्त लोग हैं आप, पूरा घर भगवान भोलेनाथ का भक्त है और ये तो नाम ही नहीं लेता। बोले, हर हर महादेव। बोले, नहीं लूंगा। गुरुजी ने भी अच्छी हट कर रखी थी कि आज तो इसके मुख से बुलवा करके रहूंगा, एक बार शिव नाम का उच्चारण तो करवा करके रहूंगा। कई बार कहा और जब 108 बार हो गया गुरुजी को रटते हुए, उसने कहा, क्या यह हर हर महादेव लगा करके रखा है? गुरुजी ने कहा, कहलवा लिया ना तुम्हारे मुख से हर हर महादेव। अब तुमने नाम तो नहीं लिया, क्रोध में ही लिया, पर जब तुम्हारा अंत समय आए, यमराज तुम्हें पकड़ करके ले जाए, तो आप एक काम करना, यमराज जब तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देंगे उस समय तुम एक बात कहना कि मैंने जीवन में सिर्फ एक बार हर हर महादेव कहा है। अब समय बीत गया, उसने जीवन में कभी नाम नहीं लिया। यमराज आए, पकड़ करके ले गए। यमराज ने पूरा लेखा जोखा उठाया। क्यों? क्योंकि आपका सारा जो किया कर्म है ना, वो भगवान के यहाँ डायरी में अच्छा और बुरा नोट है। इसीलिए कहते ना, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। तो आज लेखा जोखा यमराज ने उठाया और यमदूत ने देखा कि महाराज इसने जीवन में कोई अच्छा कर्म नहीं किया है। बोले, किया है, मैंने गुरु जी के कहने पर एक बार हर हर महादेव कहा है।
बोले इतने बड़े जीवन में सिर्फ एक बार हर हर महादेव। बोले एक बार कहने का क्या फल होगा। अब सोचने लगे जीवन में तो ऐसा कोई केस नहीं आया कि सिर्फ एक ही बार जीवन में हर हर महादेव का हो। अब बोले क्या करें, किसके पास जाएं। यमराज ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, अब वही निर्णय करेंगे एक बार हर हर महादेव कहने का क्या फल है। बोले नहीं जाऊंगा मैं, इतनी यात्रा लंबी तय करके आया हूँ, पृथ्वी से यमपुरी तक आया हूँ, कम था क्या, अब मैं थक गया हूँ। अगर तुम्हें ले चलना है तो एक काम करो, मुझे अपने कंधे में बैठा के ले चलो। यमराज जी ने कहा कि ठीक है भाई, आप तो ले जाना पड़ेगा, जब समस्या आई है और निर्णय करने वाले देव हैं तो फिर तो चलना पड़ेगा। और बढ़िया कंधे में बैठ गया, चलने लगा। वाह, आज तो मैं ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मा जी ने दूर से देखा कि यमराज, यमराज का दूसरा नाम है धर्मराज। देखिए यमराज दुष्टों के लिए क्या है, यमराज है, पापियों के लिए यमराज है, और वही पुण्य आत्माओं के लिए धर्मराज है। तो आज जैसे ही ब्रह्मदेव ने देखा दूर से कि धर्मराज आज एक व्यक्ति को कंधे पर बैठा करके ला रहे हैं, सोचने लगे कि ये कितना धर्मात्मा होगा, यमलोक से ब्रह्मलोक आ गया। ब्रह्मा जी ने अपनी कुर्सी छोड़ दी और खड़े हो गए। धर्मराज ने कहा अरे ब्रह्मदेव, ये पापी है, इसने जीवन भर पाप किया है, और कहा केवल एक बार ही कहा गुरु जी के कहने पर हर हर महादेव। एक बार कहने का क्या फल है। अब ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए कि महाराज एक बार कहने का क्या फल है, ब्रह्मदेव भी ना बता सके। अब ब्रह्मा जी ने कहा चलो भगवान विष्णु के पास चलते हैं। बोले अब तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं बहुत थक गया हूँ, पृथ्वी से यमराज यमपुरी तक और यमपुरी से ब्रह्मलोक तक, अब मुझे आगे ले चलना है, तो एक काम करो तुम दोनों लोग ही मेरा वाहन बन जाओ। अब ब्रह्मा जी को भी वाहन बना लिया यमराज। बोले हम अकेले इतनी दूर से लेकर के आए हैं, थोड़ा ब्रह्मदेव आप भी साथ दे दो। ब्रह्मदेव भी लग गए उसको ले जाने के लिए, और कहाँ पहुँचे, भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। भगवान विष्णु सोचने लगे आज ब्रह्मदेव और यमराज धर्मराज इस व्यक्ति को लेकर के आ रहे हैं, गोद में बैठा करके आ रहे हैं, तो जीवन में कोई तो पुण्य किया होगा। भगवान विष्णु ने भी अपना जो कुर्सी थी उनकी, जो क्षीर सागर में लेटे थे, उठ करके आए, स्वागत किया, आइए आइए ब्रह्मदेव, किसको लेकर के आए हैं। बोले महाराज बड़ी समस्या विकट है, जीवन में सभी ने खूब नाम जपे पर ऐसा केस नहीं आया, इसने जीवन में एक बार हर हर महादेव कहा, इसका क्या फल है। भगवान विष्णु भी सोचते रहे, जब उन्हें नहीं समझ में आया, अंत में ये कहा चलो भोलेनाथ के पास चलते हैं, जिनका नाम है वही ये बता सकते हैं। और क्या हुआ कि उसको लेकर के जाने की बारी आई, तो ब्रह्मा जी बोले कि हम ब्रह्मलोक से लेकर के आ रहे हैं, यमराज बोले हम यमपुरी से लेकर के आ रहे हैं। अब भगवान विष्णु ने कहा कि सप्तलोक से कैलाश तक इसको मैं लेकर के जाऊंगा। और जैसे ही भगवान विष्णु लेकर के गए भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ ने देखा ब्रह्मा जी हैं, भगवान विष्णु हैं और भगवान धर्मराज हैं। भगवान सोचने लगे कि जब ये तीनों आ गए तो अर्थात कोई श्रेष्ठ व्यक्ति को लेकर के आए होंगे। भोलेनाथ खड़े हो गए, डमरू बजाने लगे, वाह आज कैसे दर्शन हो गया। बोले भोलेनाथ बड़ी समस्या विकट है, इसने जीवन में कभी नाम नहीं लिया और एक बार गलती से नाम लिया गुरुजी के कहने पर हर हर महादेव। अब एक बार कहने का क्या फल है। भोलेनाथ ने कहा भैया इतना फल जितना इसको मिला है वो किसी को मिलेगा क्या। आज ये आ करके मेरे गोद में बैठ गया, कैलाश में आ गया, इससे ज्यादा फल क्या हो सकता है। यमलोक से ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मलोक से जाकर के
के विष्णु लोक गया और विष्णु लोक से आकर के देवादिदेव महादेव के गण में सम्मिलित हो गया। बोली इससे ज़्यादा फल क्या प्राप्त हो सकता है, एक बार हर हर महादेव कहने का यही फल है। बोली शंकर भगवान की।